एक दोस्त की पार्टी के बाद जेंट नथविरानुज थोंगमी और उसका फोटोग्राफर प्रेमी टुन आनंद एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाते हैं, जिसमें जेन गलती से एक महिला के ऊपर दौड़ पड़ती है। टुन उसे कार से बाहर निकलने से रोकता है। वे लड़की को सड़क पर छोड़कर भाग जाते हैं। टुन अपनी तस्वीरों में रहस्यमयी सफेद परछाइयों और चेहरों की खोज शुरू करता है। जेन सोचता है कि ये चित्र उस लड़की का भूत हो सकता है जिसे उन्होंने मारा था। टुन, जो दुर्घटना के बाद से गंभीर गर्दन दर्द का अनुभव कर रहा है, एक विशेषज्ञ के पास जाता है और यह जानकर निराश होता है कि उसका वजन उसके नियमित वजन से दोगुना है। वह प्रेतवाधित होने के विचार को खारिज करता है, हालांकि उसके दोस्तों को भी इस इकाई से परेशान किया जा रहा है। जेन को पता चलता है कि वह लड़की नित्रे थी, जो एक शर्मीली युवती थी जिसने उसी कॉलेज में पढ़ाई की थी जिसमें टुन था। टुन स्वीकार करता है कि वह और नित्रे एक रिश्ते में थे जिसे टुन ने अपने दोस्तों से गुप्त रखा था। नात्रे टुन से प्यार करता था और उसने रिश्ता तोड़ने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। टुन अपने दोस्त टॉन को आत्महत्या करते हुए देखता है और पता चलता है कि कॉलेज के उसके दो अन्य करीबी दोस्तों ने भी आत्महत्या कर ली है, यह मानते हुए कि नित्रे के भूत द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। टुन आश्वस्त हो जाता है कि वह अगला होगा। टुन और जेन नात्रे की माँ से मिलने जाते हैं और बेडरूम में नात्रे के सड़ते शरीर की खोज करते हैं। नित्रे ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी माँ उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। वे उसकी माँ को उसके लिए एक उचित अंतिम संस्कार करने के लिए मनाते हैं, जिसके बाद जेन को उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। वे एक होटल में रात बिताते हैं जहाँ टुन का सामना नात्रे के भूख से होता है। भागने की कोशिश में वह आग से बचकर गिर जाता है और घायल हो जाता है। लौटने पर बैंकॉक जेन कुछ तस्वीरें इकट्ठी करती हैं। फिल्मों में से एक में नित्रे की छवियों की एक श्रृंखला को ट्यून के अपार्टमेंट में किताबों की अलमारी की ओर रेंगते हुए दिखाया गया है। जेन को किताबों की अलमारी के पीछे छिपी हुई नकारात्मकताओं का एक सेट मिलता है। वह उन्हें उन तस्वीरों को खोजने के लिए विकसित करती है जिनमें टुन के दोस्त जिन्होंने आत्महत्या की है नात्रे का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके निष्कर्षों से निराश और अब आश्वस्त है कि नित्रे ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। एक अशांत जेन ट्यून का सामना करती है। टुन ने स्वीकार किया कि उसने बलात्कार देखा, लेकिन अपने दोस्तों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और वह वही था जिसने उन तस्वीरों को लिया था। वह कहता है कि उसने इसे साथियों के दबाव में किया और खुद को कभी माफ नहीं किया, लेकिन जेन उसे छोड़ देता है, यह जानते हुए कि वह अभी भी नित्रे द्वारा प्रेतवाधित है। टुन घर के हर कमरे की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है, लेकिन उसे नहीं देखता। वह गुस्से में कैमरा फेंकता है, केवल इसके लिए बंद हो जाता है और टुन की एक तस्वीर लेता है जिसमें नित्रे अपने कंधों पर बैठे हैं और अपनी गर्दन के दर्द और दोहे शरीर के वजन का सही कारण बताते हैं। नित्रे ने अपनी आंखें ढक ली जिससे वह संतुलन खो बैठा और खिड़की से बाहर गिर गया। अंतिम दृश्य में दिखाया गया है कि एक पटीदार टुन अस्पताल के बिस्तर पर बैठी हुई है जबकि जेन उससे मिलने जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कांच का प्रतिबिंब दिखाता है कि नित्रे अभी भी अपने कंधों पर बैठा है। अगर आपको अपनी पसंदीदा और विश्व प्रसिद्ध फिल्मों के इस प्रकार के वीडियो पसंद हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।